डीजे ट्रॉली पर सवार 8 कांवरियों की कर्क लगने से मौत हो गई। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां डीजे ट्रॉली पर सवार 8 कांवरियों की कर्क लगने से मौत हो गई। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की है। मरने वाले सभी कम उम्र के हैं, जो डीजे ट्रॉली के ऊपर सवार होकर पहलेजा घाट जा रहे थे, जहाँ से जल लेकर अपने गाँव के मंदिर में जलाभिषेक करते। लेकिन उससे पहले भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और डीजे ट्रॉली जैसे ही सुल्तानपुर गांव से निकली, वैसे ही ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे का हॉर्न सट गया और ट्रॉली में कांट आ गया, जिससे ट्रॉली में आग भी लग गई और उस पर सवार सभी लोग जिंदा झुलस गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग को फोन कर लाइन कटवाया। तब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। बताया गया कि मरने वालों में 4 सुल्तानपुर गांव के, जबकि बाकी 4 नगर थाना क्षेत्र के जदुआ बढ़ी टोला के रहने वाले थे। वहीं घटना के बाद मौके पर एसडीएम, एसडीपीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए घंटों बाद लोगों को समझा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि फोन करने के बाद भी बिजली विभाग के कर्मियों द्वारा तुरंत लाइन नहीं काटा गया, जिसके कारण लोगों को बचाया नहीं जा सका। अगर तुरंत लाइन काट दिया गया होता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। बहरहाल इस हादसे से दो गांव में कोहराम मच गया है। कितने लोग की डेथ हुई? 8 लोग की। 2 लोग हैं जो सदर हॉस्पिटल इलाज चल रहा है। 2 लोग मेन आपत्ति है कि 2 कर्मी हैं जिसको कॉल किए थे इन लोगों ने, और समय से नहीं उठाया। उन कर्मियों को हम लोग कार्रवाई करेंगे। और क्या डिमांड है? और फिलहाल तो यही डिमांड है। क्या स्थिति है सर? फिलहाल क्या चल रहा है? फिलहाल 1:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। सर कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या हुआ है? अभी तो जांच का विषय है, बाद में बताएंगे। कहाँ जा रहा था? कुछ तो पता चला होगा। अभी जाँच का विषय है, देखते हैं। सर एक ही गाँव का है, टोटल 17 गाँव के हैं। और सब आदमी गिर गया, पेंट लगा था थरथरा के, सभी आदमी गिर गया। उसके बाद फिर सब आदमी सो गया, अपने आप भरा टूटने लगा तार, वो पूरा भरा हुआ सब भाग गया, पूरा चीज भाग गया। आदमी सब 3-10 आदमी घायल हो गया इसी, और कोई नहीं। कितना मौत है, कितना घायल है अभी तक? घायल लमसम तभी हमको नहीं पता है, बाकी आएगा बॉडी करवा दे कुछ आएगा। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? जा रहे थे सुल्तानपुर से पहले जा। सुल्तानपुर से पहले जा रहे जल धार में, पहले जा से जल लेके हरिहरनाथ। कितना लोग सवार था डीजे पे? आदमी तो बहुत था। क्या नाम हुआ आपका? शिवम कुमार। घर जरुआ बटोला। ठीक, घटना हुआ थोड़ा बताइए। हम तो सोए हुए थे। अच्छा, यहाँ से कॉल गया कि आपका बेटा का करंट लग गया। हाँ। तो हम लोग दौड़ के आए। अच्छा। देखे कि वो मरा हुआ है। कहाँ पे, मतलब कहाँ जा रहा था? जा रहा था हरिहरनाथ। हम लोग का तो मालूम ही नहीं था कि कहाँ गया नहीं गया। अच्छा। कॉल आने के बाद पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ था। नहीं बताया? नहीं बताया। हम लोग रहते हैं यहाँ, वो नायका घाट रहता था। अच्छा। वहाँ से चले आया वो। अब यहाँ तो क्या देख रहे हैं? घर से जब आया तो क्या देखने के लिए मिला? घर से आया तो देखे कि वो मरा पड़ा हुआ है। और कितने लोग हैं साथ में? तो अब पूरा परिवार है। कितने लोग हैं? होगा 10-12 परिवार। अच्छा, मरा हुआ कितने लोग हैं? मरा हुआ तो सब नहीं बता सकते, हम गिनते थोड़ी किए हैं। तो कैसे घटना घटी है, कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है? अब सर हमारे यहाँ घर थोड़े के हम बता सकते हैं। ट्रॉली में लगा है? ट्रॉली के लगने के कारण हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मिंटू कुमार पासवान। बच्चा क्या नाम है? आशिक कुमार। क्या करता था? पढ़ता है सर। किस क्लास? 9वां में पढ़ता है। कहाँ जा रहा था? सर बार बार वही पूछ रहा है। डीजे बजाने के लिए जा रहा था कि बोलबम जा रहा था? बोलबम जा रहा था ना, सबके साथ है, दोस्तों के साथ है। ठीक है। हाँ, क्या करना?
आप देखो जब महाशिवरात्रि में करता हूँ तो लगा सटा और से फेंका मुँह का अपना जो धूप है उसका तो हम लोग अब अपना पहला दिन था पहले दिन हम लोग दोनों पहले जाने घूम जा रहे थे सारी पहला